नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी है, साथ ही उन्होंने सीबीआई की छापेमारी पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह कानूनी प्रक्रिया है, ऐसा होता ही रहता है, लेकिन सब लोग जान रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है। समस्त देशवासियों को, बिहार वासियों को होली की शुभकामनाएं और सभी की जिंदगी में रंग भरे, सभी लोग तरक्की करें, बिहार हमारा आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, यही हम लोगों की कामना है। मिलजुल करके भाईचारा जो है बनाए रखे, अमन चैन शांति का वातावरण जो है होली में बनाए, और ये खुशियों का त्योहार है, तो हम लोग चाहेंगे कि सबों की जिंदगी में खुशी आए। छोड़िए ना, क्या दिक्कत है, उसे किसी को कोई तकलीफ है, चलता रहेगा। और इससे पहले हम तो अपने बात को माइक के ऊपर कर लीजिए, तो ऊपर जाने के ट्रस्ट वोट हुआ उसी दिन ये संकेत आ गया था कि भाई रंगों का त्योहार होली प्रेम तथा भाईचारे का संदेश देता है। यही कारण है कि हर समुदाय के लोग अलग अलग ढंग से इस होली के त्योहार को मनाते हैं। मारवाड़ी समाज में होलिका दहन का एक विशेष महत्व है। इसी कड़ी में मुंगेर और जमालपुर में भी मारवाड़ी समाज के लोगों ने पूरे विधि विधान के साथ होलिका दहन की परंपरा को पूरा किया। पूरे विधि विधान के साथ होलिका दहन कर समाज की कुरीतियों को दूर करने का संकल्प दोहराया गया। आपसी प्रेम और भाईचारे का प्रतीक रंगों का त्योहार होली की खुमारी में पूरा नालंदा जिला झूम रहा है। जिले में इन दिनों होली मिलन समारोह की धूम है और इस मौके पर रंग गुलाल फूलों की होली के साथ ही कई प्रकार के विशेष पकवान भी लोगों को सराबोर कर रहे हैं। मंदिरों, समारोह स्थलों और कार्यालयों में भी गुलाल लगाने का सिलसिला खूब चल रहा है। इसी क्रम में चंडी प्रखंड के अमरौरा पंचायत अंतर्गत महेशपुर गांव में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में आए लोगों को फूलों की होली और चंदन लगाकर स्वागत किया गया। होली मिलन के इस कार्यक्रम में कलाकारों ने होली के गीतों की शानदार प्रस्तुति दी और हर्बल होली का लोगों ने खूब आनंद उठाया। ये चंडी प्रखंड के अमरौरा पंचायत के महेशपुर ग्राम में होली का होली मिलन समारोह मनाया जा रहा है। क्या संदेश दे रहे हो, क्या हो रहा है? संदेश यह दे रहा है कि पारंपरिक तरह से जो होली मिलन समारोह किया जाता है, वो होली मिलन समारोह किया जा रहा है गांव में। हम लोग के देखते ही हैं कि गांव में ढोल ढाल बाजा के साथ मैंने होली मिलन समारोह किया जाता है। कहाँ कहाँ के लोग आए हैं? ये पूरे जिले के लोग आए हैं। यह कार्यक्रम होली के अवसर पर यह आयोजन किया गया है और ये होली शुभ शांति के लिए और हम लोग भाईचारा इसमें समन्वय स्थापित करने के लिए हम लोग ये चंडी के इलाका में खास के प्रेम बाबू ये जिला परिषद सदस्य भी ये हैं और काफ़ी शांति और सुख से यहाँ की जनता लोग रहे, यही मेरे हम लोग की भी शुभकामना है। अरे गीत यहाँ तो कार्यक्रम हो रहा है शुभ संदेश मने विभूषण शाही। पटना के महाराजगंज स्थित तैली कमेटी हॉल उत्सव हॉल में मेयर सीता साहू के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया और जमकर होली महोत्सव का आनंद उठाया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए। तो राजधानी पटना में व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ता संघ के द्वारा होली महोत्सव मनाया गया, जिसमें काफी संख्या में अधिवक्ता गण, लिपिक और मजिस्ट्रेट शामिल हुए। सभी लोगों ने होली का आनंद उठाया, साथ ही अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष और महासचिव ने भी ढोल पर जमकर ठुमके लगाए। चलो इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ।